जय माता दी। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का व्रत त्योहार उपाय चैनल में। दुर्गा माँ को समर्पित नवरात्रि का त्योहार वर्ष में चार बार मनाया जाता है, जिसमें शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि होते हैं, तो उसके अलावा दो नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होते हैं। चैत्र और अश्विन नवरात्रि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं। माता के सभी भक्तगण इन नवरात्रियों में माता की पूजा अर्चना और व्रत रखते हैं। लेकिन इन दोनों नवरात्रियों के अलावा दो और बार नवरात्रि का त्योहार आता है, जो कि गुप्त नवरात्रि कहलाता है। गुप्त नवरात्रि के बारे में बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, और जो लोग इन नवरात्रियों को मनाते हैं वो इन्हें गुप्त ही रखते हैं। बहुत ज्यादा तामझाम और बहुत ज्यादा शोर शराबे के साथ ये नवरात्रि नहीं मनाई जाती है, इसी वजह से इसे गुप्त नवरात्रि भी कहा जाता है। आषाढ़ का महीना लग चुका है और ऐसे में इस महीने में गुप्त नवरात्रि भी आने वाली है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गुप्त नवरात्रि आषाढ़ के महीने में कब से कब तक रहेगी, साथ ही कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा और इसकी पूजा विधि क्या होगी। वीडियो आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जान लेते हैं गुप्त नवरात्रि की पूजन विधि क्या है। सामान्य नवरात्रि की तरह ही गुप्त नवरात्रि में भी 9 दिन की पूजा की जाती है। इसमें आप कलश स्थापना भी कर सकते हैं। अगर कलश की स्थापना आपने की है तो दोनों समय यानी सुबह और शाम मंत्र जाप, दुर्गा चालीसा और सप्तशती का पाठ आपको करना होगा। दोनों ही समय आपको माता की आरती भी करनी होगी। माँ को दोनों समय का भोग भी लगाना होगा, साथ ही भोग में आप सबसे सरल लौंग और बताशे का भोग माता को लगा सकते हैं। माँ के लिए लाल फूल सर्वोत्तम होता है, इसीलिए माँ को लाल पोशाक के साथ लाल फूल भी चढ़ाएं। इस दौरान माँ को आग, मदार, दूब और तुलसी बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना है। पूरे 9 दिन अपना खान पान और आहार आपको सात्विक रखना है। अब जान लीजिए आषाढ़ के महीने की गुप्त नवरात्रि कब से लग रही है। आषाढ़ के महीने की गुप्त नवरात्रि 30 जून से शुरू होकर 8 जुलाई तक रहेगी। अब जान लीजिए घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। गुप्त नवरात्रि के लिए कलश स्थापना या घट स्थापना के लिए आपको गुरुवार 30 जून को सुबह 5:26 से लेकर सुबह 6:43 के बीच का जो समय है उसमें घट स्थापना कर लेनी है। तो दोस्तों ये थी वो जरूरी जानकारी जो कि गुप्त नवरात्रि के त्योहार से जुड़ी हुई थी और आपके काम भी आएगी। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर उसको लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। देखते रहिए व्रत त्योहार उपाय चैनल। जय माता दी।